अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहु। मौजूद नाजरीन, आज की छोटी बात यह है कि ज़िंदगी आपको हर दिन एक नया मौका देती है जिसको आप आज कहते हैं। इसलिए हर दिन को गनीमत समझते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे तो बेहतर है। शुक्रिया मेरा चैनल देखने के लिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कुछ अशआर आपके सामने पेश करता हूँ, काबिल कबूल हो। इबादतों का रंग भी तिजारतों में आ गया, सलाम फेरते ही हम सवाब मांगने लगे। ईद कपड़ों से नहीं इकबाल, ईद कपड़ों से नहीं इकबाल, अपनों से होती है, अपनों से होती है। और फिर उम्र के साथ साथ, और फिर उम्र के साथ साथ ईद की खुशियां भी कम हो जाती हैं। नाराजगियां तो हिस्सा ही जिंदगी का, नाराजगियां तो हिस्सा ही जिंदगी का, मना लो या खुद मान जाओ। चांद को देखकर मुस्कुराना ईद है साहेब, लेकिन इंसान इंसान को देखकर मुस्कुराना हर रोज ईद है। निदामत के चरागों से बदल जाती हैं तकदीरें, अंधेरी रात के आंसू खुदा से बात करते हैं। दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करके कैसे अपनी मोहब्बत में खुश रहते हैं लोग। आदतें बदली जा सकती हैं पर फितरत नहीं। मेरे सब्र की दुनिया को मिसालें देना, मैं समझता था मेरे यार समझते ही मुझे, पर यार भी मेरे बेवफा हो गए जमाने में। दौलत की पहचान से सब कुछ भूल गए, आज दौलत की मांग रही दोस्ती की नहीं। हमें मायूस कर दिया उसकी बातों से, हमें लगा था वो हाले दिल से बेखबर है मेरे। कभी भी किसी को निजी नजरों से ना देखो, आप में इतनी काबिलियत नहीं जो दूसरों को तनकीद करे। औकात में रहना सीखिए जिंदगी में गालिब, दूसरों को भला बुरा कहने से कोई फायदा नहीं। गीधड़ की सौसाला जिंदगी से, गीधड़ की सौसाला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह आज के दिन शहीद हुए थे चौथी जंगे अजीम में सिंहपटना में। इनको याद करते हुए शुक्रिया मेरा चैनल देखने के लिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।